नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले काफी दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर यह डिमांड कर रहे थे कि यादव समाज ग्वाला समाज के इतिहास पर एक वीडियो बनाइए, उनका जो कृष्ण से कनेक्शन बताया जाता है या फिर वो शूद्र है कि नहीं है। इसके अलावा भी उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको ग्वाला समाज भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वह इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता और न ही आम तौर पे वह उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत सी रोचक चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या यादव समाज शूद्र है या नहीं। शूद्र शब्द ब्राह्मणवादी शब्दावली है, इसीलिए कौन शूद्र है या किस वर्ण का है इसकी भी जांच ब्राह्मणवादी किताबों से ही हो पाएगी। इसीलिए मैं कुछ ब्राह्मणवादी किताबों का हवाला देते हुए दिखाऊंगा कि उनमें यादव समाज के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मनुस्मृति में चारों वर्णों का कर्म लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 1 में श्लोक 88 में ब्राह्मण के कर्म दिए गए हैं, जो कि आज के ग्वाला समाज पर फिट नहीं बैठता। फिर 89 श्लोक में क्षत्रिय के कर्म दिए गए हैं, फिर श्लोक 90 में वैश्य के कर्म दिए गए हैं और श्लोक 91 में शूद्र के कर्म दिए गए हैं। चूंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि यादव समाज जो कि अंग्रेजों के समय तक अशिक्षित था अन्य पिछड़ी जातियों की तरह, तो वह शूद्र समाज की कैटेगरी में आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी यादव या ग्वाला समाज के महापुरुष का नाम बताएं जो कि अंग्रेजों के समय में उनसे पहले शिक्षित हुआ करते थे। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो इसी मनुस्मृति के अध्याय 2 में उपनयन संस्कार के बारे में बताया गया है। चूंकि उपनयन संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही कर सकते हैं, शूद्र उपनयन संस्कार नहीं करते हैं, पूरे अध्याय 2 में इसका जिक्र है। और जब आप प्रैक्टिकली जाकर देखें तो यादव समाज ग्वाला समाज भी उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊधारी नहीं पहनता है। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 37 श्लोक में लिखा है, ब्रह्म तेजाभिलाषी ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बलाभिलाषी क्षत्रिय का 6 वर्ष में और धनाभिलाषी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। लेकिन ग्वाला समाज में यह जनेऊ प्रक्रिया बचपन में नहीं होती है। अगर अब भी आपको संदेह है तो आप वाल्मीकि रामायण ही देख लीजिए। मेरे पास यह गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है। इसके युद्ध कांड के 22वें सर्ग में जब राम धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र के पानी को सोखने के लिए उसे ललकारते हैं, तब समुद्र इंसान के रूप में प्रकट होकर राम से समुद्र पर पुल बनाने की डील करता है और साथ ही राम से यह भी कहता है कि धनुष बाण आप उठा ही लिए हो तो अवीरों को यानी यादवों को खत्म कर दो। आप खुद ही देख लीजिए इस युद्ध कांड के 22वें सर्ग में श्लोक संख्या 33 में क्या लिखा है। वहाँ आभीर यानी यादव आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। अब देखिए, यहाँ समुद्र देवता है, राम को क्षत्रिय बताया गया है और उन दोनों के लिए यादव पापी और लुटेरे बताए जा रहे हैं। यादवों के पानी पीने से भी समुद्र को दिक्कत है। ऐसी दिक्कत ब्राह्मणवादियों को दलित समाज के द्वारा सार्वजनिक तालाब या नदी से पानी पीने पर होती थी। आगे सुनिए, इसी 22वें सर्ग के 34 श्लोक में समुद्र आगे क्या कहता है। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण में ग्वाला समाज यादव समाज पानी पी लेता है तो उनके छूने भर से समुद्र को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है कि उन्हें पापी बोल रहा है, उनको खत्म करने के लिए कह रहा है और श्री राम आगे बाण चलाकर उसे खत्म भी कर देता है, मरुस्थल बना देता है, जो कि आगे के 35 से लेकर 39 श्लोकों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाल्मीकि रामायण ने ही यादवों को नीचा दिखाया है। आप 16वीं सदी के रामबोला दुबे यानी तुलसी की जो रामचरितमानस है उसमें देख लीजिए। मेरे पास गीता प्रेस की मोटा टाइप का ये रामचरितमानस है। इसके पेज नंबर 1045 यानी उत्तर कांड के 129 के छंद 1 में लिखा है, आभीर यानी यादव, यवन किरात खस स्वपच यानी कि चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं। अब देखिए, यहाँ भी आभीर को यानी यादवों को अत्यंत पाप रूप कह रहे हैं। कौन? तुलसी यानी कि रामबोला दुबे। यानी सीधी सी बात है कि ब्राह्मण ग्रंथों ने यादव समाज ग्वाला समाज को हमेशा ही नीचा ही दिखाया है। अगर अब भी आपको संदेह रह गया हो तो आप व्यास स्मृति का ही यह श्लोक
दिनों को देख लीजिए। ये वही व्यास है जिसको लोग बोलते हैं कि इसने महाभारत रच दिया था और उसमें कृष्ण था वो क्षत्रिय था इसीलिए यादव क्षत्रिय है। अध्याय 1 के 11 से 13 श्लोक में क्या लिखा है वह सुन लीजिए। बढ़ई नाई ग्वाला, आई रिपीट ग्वाला, असाप कुम्हार, वणिक किरात कायस्थ, माली कुटुम्बी, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, मेद, चंडाल, दास यानी कि केवर, स्वपच, कुल, ये और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज यानी कि अछूत होते हैं। देखिए यहाँ पे ग्वाला समाज को शूद्र भी नहीं उनसे भी नीचे अछूत बताया जा रहा है, अंत्यज बताया जा रहा है। आगे लिखा है इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज यानी ऊंची जातियों का व्यक्ति अर्थात जनेऊधारी शुद्ध होता है। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथ खुद ही ग्वाला समाज को इतना नीचा लिख रहा है तो आप कैसे खुद को क्षत्रिय बता सकते हैं। सीधी सी बात है कि ब्राह्मण धर्म की किताबों में ग्वाला समाज को अछूत पापी इत्यादि कहकर तिरस्कार ही किया गया है, यानी शूद्र ही कहा गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि यादव समाज अगर शूद्र था तो उन्हें कृष्ण का झुंझुना क्यों पकड़ाया गया। वास्तव में आज की तमाम ओबीसी जातियां जो ब्राह्मणवाद द्वारा हाशिए पर डाली गई थी उन्हें 19वीं और 20वीं सदी में जैसे ही सम्यक संस्कृति में बुद्ध का प्रमाण मिलने शुरू हो गए और भारत का मूल इतिहास बाहर आने लगा तब ब्राह्मणवादियों ने ओबीसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक एक ईश्वर का झुंझुना पकड़ा दिया। थोड़ी सी और डिटेल हम घुसे, भक्ति काल में बहुत से ऐसे अन्य जातियों के भी लोग थे जो किसी न किसी सुर और असुर के चक्कर में लगे होते थे। ऐसे ही एक थे सूरदास। सूरदास अंधे थे लेकिन वो गायन कर लेते थे, जिसमें उनने कृष्ण को एक ग्वाला के रूप में दिखाया है, गोपियों के साथ रासलीला करते दिखाया है और उनकी एक प्रेमिका भी दिखाई है जिसका नाम राधा है और बहुत सारे राक्षसों को राक्षसनियों को मारते हुए भी दिखाया है बचपन में। बेसिकली पूरा कृष्ण की लीला ही सूरदास ने 16वीं सदी में रची है, यानी कि ये जो ग्वाला कृष्ण है इसकी रचना 16वीं सदी में हुई है और सूरदास के द्वारा हुई है। तो सवाल यह उठता है सूरदास का कृष्ण ग्वाला क्यों है जबकि व्यास का कृष्ण तो क्षत्रिय है। दरअसल सूरदास खुद ही ग्वाले थे इसीलिए उनने जो नायक बनाया वह ग्वाला नायक बनाया और वह नायक बचपन से लेकर किशोरा अवस्था तक है जबकि व्यास का नायक किशोरा अवस्था से ऊपर का है। बाद में इन दोनों कहानियों को मिक्स करने का भी प्रयास किया गया और इस चक्कर में सूरदास को ग्वाला से ब्राह्मण भी बताने का प्रयास किया गया। मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूँ कि कैसे सूरदास ग्वाले ही थे। हिंदी साहित्य का सवालर्टन इतिहास पृष्ठ 64 में लिखा है आप कबीर और रैदास की जन्म कथा को याद करें। कबीर जुलाहे थे मगर बताया गया है कि वे विधवा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से पैदा हुए थे। रैदास चमार थे मगर बताया गया है कि वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। ऐसे ही सूरदास अहिर थे मगर बताया गया है कि वे पूर्व जन्म में अहिर थे और अगले जन्म में ब्राह्मण थे। यानी कि जितने भी बहुजनों के विद्वान हुए हैं उनको जबरदस्ती ब्राह्मण बताने का प्रयास किया गया है। कुछ अन्य तथ्य देखें। डॉक्टर रामकिशोर शर्मा अपनी किताब भ्रमर गीत सार में पृष्ठ 10 पर लिखते हैं कि एक अहिर ने वृंदावन के केली कुंजों के अवलोकन की लालसा में भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था। भगवान ने उसे मथुरा प्रांत में एक ब्राह्मण के घर जन्म दे दिया था। वह अहिर महाकवि सूरदास थे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के पृष्ठ 515 से लेकर 524 पे लिखा है हिंदी के इतिहासकारों ने डंके की चोट पर मान लिया है कि सूरदास जाति के ब्राह्मण थे और फिर पूरी ऊर्जा इस तथ्य की जांच में लगाए हुए हैं कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे, भाट ब्राह्मण थे अथवा जगत ब्राह्मण थे। अगर अब भी किसी को सूरदास की जाति पर कोई शक है तो एक और प्रमाण आपको दिखाता हूँ जिससे यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सूरदास ग्वाला ही थे। आप सूरदास के समकालीन तथा उनके बाद के लेखकों जैसे आईने अकबरी, मुंशियात अबुल फजल और मुंतखिबुल तवारीख जैसे इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करें जिसमें साफ लिखा है कि सूरदास के पिता का नाम रामदास ग्वाल था। यानी सीधी सी बात है सूरदास ग्वाले थे इसीलिए उनका नायक और उनकी रचना एक ग्वाले को समर्पित है और बाद में इसी सूरदास को ब्राह्मणवादी बताने का प्रयास किया गया और कब्जा लिया गया। अब यहाँ पे एक नया सवाल खड़ा होता है अगर सूरदास शूद्र थे तो फिर उन्हें कृष्ण की भक्ति का गायन का
अधिकार कैसे मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यह सूरदास की मजबूरी थी कि वह कृष्ण की ही भक्ति करे। इस मजबूरी के दो पहलू थे। पहला पहलू यह था कि कृष्ण कन्हैया बौद्ध के जातक कथाओं से लिया गया एक किरदार है। दूसरा पहलू यह था कि 13वीं-14वीं सदी में वेदों का भाष्य संस्कृत में किया था मैदर उवर सायण ने पहली बार, जिससे वेदों की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और सारे बहुजनों के जो विद्वान थे, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो या गुरु नानक देव हो, सभी लोग वेदों का बहिष्कार करने लगे थे। कुछ लोगों ने वेदों में जो विलेन थे उनको अपना नायक मान लिया, जैसा कि आजकल भी कुछ लोग करते हैं। सुर को ब्राह्मणों का देवता और असुर को मूल निवासियों का देवता मान बैठे हैं। यही काम सूरदास ने भी किया। वेदों में कृष्ण असुर है, तो सूरदास ने जिस कृष्ण को आराध्य माना वह असुर था, न कि कोई देवता था, और इसीलिए उन्हें कृष्ण की भक्ति का अधिकार भी मिल गया और ब्राह्मणों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूँ। मेरे पास वेदांत तीर्थ का वेद भाष्य है, उसमें ऋग्वेद के मंडल 101 सूक्त के 1 मंत्र में लिखा है, हे ऋषिजन, इंद्र की हवि द्वारा स्तुति करो। ऋजिस्वा के सहयोग से कृष्णासुर को गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका संहार करने वाले दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले मरुतों की सेना के साथ स्थिर रहने वाले बल संपन्न उस इंद्र की कामना करने वाले इंद्र का हम याजक मित्र भाव से आह्वान करते हैं। यानी यहाँ साफ साफ कृष्ण को असुर बताया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल 96 सूक्त के 13 मंत्र में लिखा है, अंशुमती के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। इसके अगले मंत्र 14 में लिखा है, उस समय इंद्र ने कहा कि मैंने अंशुमती के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णासुर को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूँ, तुम संग्राम में उसका संहार करो। यानी कृष्ण के हत्या की बात चल रही है। अब इसी के अगले मंत्र 15वां भी देख लीजिए। अंशुमती के तट पर कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त कर दिया। और 17वें मंत्र में लिखा है, शत्रुओं को दबाने वाले हे इंद्र, तूने बलशाली कृष्णासुर को अपने वज्र से समाप्त किया तथा राजर्षि कुत्स के लिए सुष्णासुर को अस्त्रों द्वारा काट डाला एवं अपनी सामर्थ्य से गौओं को उत्पन्न किया। इन सारे मंत्रों से यह स्पष्ट है कि कृष्ण वेदों में असुर है। चूंकि ऋग्वेद में 10,552 श्लोक में से 3,500 श्लोक सिर्फ इंद्र को डेडिकेटेड है, इससे आप समझ सकते हैं कि इंद्र कितना पावरफुल देवता है या कितना प्रिय देवता है, जो कि कृष्ण को असुर मानता है और उसकी बेहरमी से उसकी पत्नियों के साथ हत्या कर देता है। अब अगर आप सूरदास की रचनाओं को देखें तो सूरदास अपनी रचनाओं में भी इंद्र को कृष्ण का दुश्मन बताते हैं। उनकी सुरसागर या सुरसावली अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वह इंद्र की पूजा और यज्ञ हवन करना बंद करवा देते हैं, जिससे इंद्र क्रोधित होकर लगातार पानी बरसाते रह जाता है कई दिनों तक। फिर वह ग्वाला कृष्ण अपने उंगली से पर्वत उठाकर सभी ग्वालों की रक्षा करता है। यानी साफ साफ यह क्लियर है कि सूरदास की यह मजबूरी थी कि जो वेदों का विलेन था कृष्ण, उसी को अपना आराध्य मानना। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कृष्ण है वह ग्वाला क्यों है, और उसकी सारी कहानी ही इस सूरसागर और सुरसावली से आ रही है। यानी 16वीं सदी में यह कृष्ण पैदा किया गया सूरदास के द्वारा। तो सवाल यह खड़ा होता है कि कृष्ण भी अगर काल्पनिक है और 16वीं सदी से पहले यादवों का कृष्ण से कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर यादवों का इतिहास क्या था? आखिर क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें इतना तिरस्कृत किया, उन्हें नीच कहा, पापी कहा, अछूत तक बना दिया? वास्तव में इसका उत्तर अगर हम इतिहास का सही अवलोकन करें तो मिल जाएगा। हमें सारे उत्खनन प्रमाण, समकालीन नोट्स देखने होंगे और जो शिलालेखों का प्रमाण है उसका भी अध्ययन करना होगा। ईसा से 310 वर्ष पूर्व लगभग मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीयों को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिखाया है। उसमें से एक वर्ग था पशुपालक वर्ग और दूसरा था खेतिहर वर्ग। उसमें उनने यह भी लिखा कि बाकी के वर्ग पशुपालक वर्ग का, खेतिहर वर्ग का बहुत ही सम्मान करते थे और उस समय कोई भी जाति प्रथा नहीं थी, भेदभाव नहीं था, बल्कि सभी का आदर किया जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ सम्राट थे, वहीं एक वर्ग पशुपालक वर्ग के रूप में भी मौजूद था। एक दूसरा प्रमाण मिलता है जिसका वर्णन 19वीं सदी में लॉरेंस वाडेल ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द इक्चेक
प्रोजेक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा में लिखा है। यह 1892 की किताब है। इस किताब में इन्हें लिखा कि जब वो पाटलिपुत्र में गए थे तब उन्हें एक कृत्रिम पहाड़ी दिखाई दी थी और वहाँ पे कुछ लोग पूजा करने जाते थे। उन लोगों में दुसाध, ग्वाल, अहिर थे और वो जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी पर भिखना कुंवर की पूजा होती थी। अब ये भिखना कुंवर कौन है? भिखना कुंवर सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह बात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक सम्राट अशोक न्यू परिप्रेक्ष्य में भी लिखते हैं और इसका जिक्र लॉरेंस वाडेल ने भी अपनी पुस्तक में किया है। इस गुफा को 399 ईस्वी में जब फाहियान भारत की यात्रा में आए थे तब लिखा है। एक और प्रमाण देखिए जो कि 10वीं सदी का प्राप्त हुआ है और वह पत्थर पर खुदा हुआ एक कलाकृति है जो कि सूरदास से भी 600 साल पुरानी है। अगर इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि बुद्ध जैसी एक आकृति है और वह दूध दूह रहे हैं और ये चित्र मिला है मामल्लापुरम में। अब मैं आपको एक उत्खनन प्रमाण दिखाता हूँ जिससे यह पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि ग्वाला वंश, यादव वंश का बुद्ध से कितना जबरदस्त कनेक्शन है। 21वीं सदी के प्रथम दशक में मिट्टी के टीले की खुदाई से सुजाता का स्तूप मिला है और 8वीं सदी के एक अभिलेख से इस स्तूप का वेरिफिकेशन हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यह सुजाता गृह है। यह वही सुजाता है जिसके बारे में कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध भूखे प्यासे उपासना कर रहे थे तब उनने खाना खिलाकर उनकी जान बचाई थी और ये सुजाता ग्वाला थी जिसकी याद में विशाल स्तूप बनवाया गया है। तो ये उत्खनन प्रमाण का वेरिफिकेशन भी हैनसोंग ने 7वीं सदी में किया है। मेरे पास हैनसोंग की किताब है जो कि सम्यक पब्लिकेशन से पब्लिश्ड हुई है, 240 पर लिखा हुआ है। परंतु अब उन्होंने उस तपस्या को भी छोड़ दिया है और एक ग्वाला पुत्री सुजाता के हाथ से खीर को ग्रहण किया है। तो देखिए यहाँ पे 7th सेंचुरी में हैनसोंग बकायदे यह लिख के जा रहे हैं कि ग्वाला पुत्री थी सुजाता। तो अब इन सारे तथ्यों को, प्रमाणों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो बातें देखने को मिलती है। एक कि यादव समाज का ग्वाला समाज का कनेक्शन कहीं न कहीं बुद्धिस्ट साम्राज्य से है। ये राजकुमार महेंद्र को अपना आराध्य मानते थे 20वीं सदी तक। दूसरी तरफ उत्खनन प्रमाण में भी ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि पशुपालक वर्ग में बुद्धिस्ट भी थे। और तीसरी बात यह देखने को मिलती है कि ब्राह्मणवादियों ने अपनी सारी किताब ही बौद्ध विरोध में लिखी है। तो इन सारे तथ्यों से साफ होता है कि यादव समाज भी, ग्वाला समाज भी भारत का मूल समाज था जो कि सम्यक संस्कृति से ताल्लुकात रखता था और आज की डेट में वह अपना इतिहास न जानने के कारण ब्राह्मणवादियों के चंगुल में फंसते जा रहा है। आज जो उनमें सुधार भी हुआ है वह किसी धर्म के कारण या किसी काल्पनिक कृष्ण के कारण नहीं हुआ है। जो काल्पनिक कृष्ण अपनी काल्पनिक किताब में लाखों जीव जंतुओं को मरवा कर, लाखों इंसानों को मरवा कर भी धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, वह भला यादवों का क्या भला कर पाता। वो तो आजकल जो यादव वर्ग में सुधार देखने को मिला है वह उनके मेहनत कश नेताओं जैसे कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी जैसे कर्मठ नेताओं के मेहनत का फल और संविधान का नतीजा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी ग्वाला समाज को, यादव समाज को अपना मूल इतिहास पता चल सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद।